मॉर्निंग हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 आज शुरू। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसने की है, आपको आलेख दिया है और इस आलेख को देख के दो क्वेश्चन दिए हैं। पहला दिया है कौन सा पशु पालतू पशु सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो देखो कौन सा, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, हैमस्टर, अन्य पालतू पशु है और कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो सबसे ज्यादा जो है वो बिल्लियों के द्वारा बिल्लियां पसंद करी जा रही है। कितने विद्यार्थियों के द्वारा, 10 विद्यार्थियों के द्वारा। तो ये हो गया है, क्या हो जाएगा, बिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला है क्वेश्चन। इसे बोल रहा है कि कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो देखो कुत्ता, कुत्ते कितने हैं यहाँ पे, देखो यहाँ से यहाँ तक 2, 4, 6, 8, 8 हो रहा है, यानी 8 विद्यार्थियों के द्वारा पालतू पशु क्या है, कुत्ता। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन में ये आपको आलेख दिया है, इसमें स्केल है 1 इकाई = 100 पुस्तकें, यानी यहाँ से तक 100, 200, 300, 400, 500, 600। अब ये बता रहा है इसको स्केल को देखते हुए अपने को निकालना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वर्ष 1989, 1990, 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। अगर हम इसको लगभग 200 के करीब मानते हैं तो 1989 में हम मानते हैं, देखो इधर ही कर देती हूँ इसका आंसर ए में, 1989 में 200 और साथ में मानते हैं 90, 1990 में 500 और 1992 में मानते हैं 300। तो कुल पुस्तकें कितनी हो गई, 1000 पुस्तकें हो गई। तो कुल पुस्तकें बेची गई 1000। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई, लगभग 475 अंदाजे से देखता है कि किस वर्ष में। तो 475 के लिए अंदाजे से अगर अपन देखें तो 400 से देखो ये ऊपर है लेकिन 500 को नीचूगा, यानी कौन सा है, 1990। अपन मान लेते हैं अंदाजे से लगभग कि 1990 में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। अगला है किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। तो 225 पुस्तकों के करीब जो है वो सबसे छोटी संख्या देखो, और ये रहा 1992 में क्या जाएगा, 1992 और डी बोल रहा है यानी तीसरा किस वर्ष में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। तो 250 से कम पुस्तकें आ गई किसके अंदर, 1989 में, किसमें, 1989। ये तो आप इसको ग्राफ का आकलन करोगे ना उससे पता चल जाएगा। अगला है क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन कितना हो जाएगा, ये देखो हम अगर माने कि पूरा मानते तब तो 200 है, लेकिन अगर हम पूरा ना माने तो हम इसको मानते हैं 175 के अंदाजन। तो क्या हो जाएगा लगभग, क्योंकि हमारे पास आंकड़ा बिल्कुल फिक्स नहीं है इसलिए हम मानते हैं या तो 175 से 200 के मध्य। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको एक सारणी दे रखी है, आप अपनी किताब में देखिएगा। अब उसमें 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास के विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। अब इसमें एक दंड आलेख के रूप में इसका स्केल कैसे चुनेंगे, तो आपको पता है दंड आलेख के लिए ये बना दिया हमने, ये डाल दिया 0। अब 0 के बाद में यहाँ पे संख्या लिख दो, इससे बोल रहा है 5वीं, 6वीं यानी 95, 100, 90, 95, 100 ऐसे चल रहा है। तो अपन चलते हैं 80 से, क्योंकि सबसे कम नंबर है 80। तो यहाँ से शुरू करते हैं 80, 90, 100, 110, 120, 130 और 140। ठीक है, अब बोल रहा है 5वीं में है 133। तो आपको पता है हमने कितने का अंतर माना है, 10-10 का माना है, तो इसका पैमाना मानेंगे हम 1 इकाई = कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि हमने 10-10 का गैप माना है। तो 10 विद्यार्थी, 1 इकाई बराबर हो जाएगा 10 विद्यार्थी।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हैं, हो गया ये तो आपका, ए तो पूरा एक इकाई बराबर है 10 विद्यार्थी। अब क्वेश्चन बी, इसमें पहले अपन बना लें, तो पांचवी में पहले बता रहा है 80, दसवीं पांचवी में 135, तो 135 देखो 40, 140 और 130 के बीच में 135, ये हो गया पांचवी। मैं यू लिख दूं जगह नहीं इसलिए। पांचवी के बाद में अगला है छठी, छठी में 120, तो अपन देखो 120 से लेते हुए चले, ये मिला दी 120 से ऐसे मिलाते हैं, तो ये हो गया छठी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सातवी में 95, 95 मतलब 90 और 100 के बीच में, तो 90 और 100 के बीच में देखो आप यहां से देखें, आप 100 और 90 के बीच में यहां से गिने, तो ये आता है लगभग 95, ये हो गया सातवीं। ठीक है, आठवीं देखो 100, तो हमारा 100 कहाँ आ रहा है, ये पूरा, तो यहाँ पे हो गया ये हमारा 100 और ये हो गया आठवीं। अब है नवी, नवी में 90, तो 90 वाला देखो लाइन मिलाते चलो, तो ये हो गया नवी में 90, नवी। और दसवीं में बोल रहा है 80, तो 80 वाली लाइन मिला दो यहाँ पे, ये हो गया दसवीं, ये हमारा हो गया दंडा लेख। ठीक है, अब आ जाओ इसे पूछ रहा है सी, सेकंड क्वेश्चन बी के अंदर, किस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, किस कक्षा में अधिक है, तो बी तो हमने इसका ग्राफ बना दिया, दंडा लेख हो गया। ठीक है, ये जो आलेख हमने बनाया ये बनाना है, और सी का ये दो वाले क्वेश्चन थे, सी में बोल रहा है किस विद्यार्थी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, तो विद्यार्थियों की संख्या किसमें अधिक है, पांचवी में, किसमें, पांचवी में। ठीक है, आगे बोल रहा है और किस कक्षा में न्यूनतम है और सबसे कम है, दसवीं में, और न्यूनतम किसमें है, न्यूनतम दसवीं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कक्षा छह के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा आठ की विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो, यानी छह की संख्या का अनुपात, तो पहले तो छह में देखो छह की कितनी है 120, अनुपात छात्र बोल रहा है किसका, कक्षा आठ, आठ की कितने, आठवीं का है 110। ठीक है, तो कक्षा आठवीं में हो गए ये 100 बता रहा है अपना, तो कक्षा 10 किसमें है, आठवीं में 100, तो अब देखो इसको अपन बटे के रूप में लिख दो, 120 बटे 100, 1 0 से 1 0 बटी, 2 के पारे में 2 6 12 और नीचे 2 5 10, यानी या तो 120 अनुपात 100 लिख दो या फिर 6 अनुपात 5, ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।